प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक 4 साल के मासूम बच्चे को गला दबाकर हत्या से सनसनी फैल गई। मामला मोहना थाना क्षेत्र के परसा बेलहरी गांव का है, जहां महिला के ताने की वजह से एक महिला अपना बदला मासूम का कत्ल करके ले लिया। मृतक की बड़ी मां अक्सर आरोपी महिला को ताने दिया करती थी, जिसका बदला इस रूप में लेकर एक घिनौना चरित्र पेश किया है। आपको बताते चलें कि कल 2 बजे मृतक मासूम सनी चौरसिया और बच्चों के बगल के रहने वाली ज्योति यादव के घर टीवी देखने गया था। बदले की आग में जल रही ज्योति को यह मौका अच्छा लगा और उसके साथ टीवी देख रहे और बच्चों को भगा दिया। फिर क्या था कि ज्योति ने अपने पिता रामसिलन से मिलकर मासूम सनी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और दोनों पिता पुत्री ने मिलकर उसकी डेड बॉडी अपने ही घर में बॉक्स में छुपा दी। वहीं काफ़ी देर से परिजन मृतक सनी की खोजबीन कर रहे थे और उसका पता नहीं चला। मामला ये था सर, बच्चे छोटे थे, 4 साल का बच्चा था और एक मेरा नाती 3.5 साल का था, भाई का लड़का 4 साल का था। सर टोले में घर घर खेलते थे, खेलते खेलते गायब हो गए और एक वो खाली ये भाई का लड़का गायब हुआ। अच्छा, तो खोजबीन किए जी, बहुत ज़्यादा खोजबीन होने के बाद में नहीं पता चला तो थाने पे फ़ोन किए, पुलिस के सहयोग से छानबीन किए तो जा करके बच्चा बरामद हुआ गांव में। हाँ, रामसिलन के घर में और बोरे में लाश रखी थी, टैंकर में बंद था और उसको खुलवा कर पुलिस और लेकर आई। कल शाम को थाना मोहाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसा बिलहरी में एक 4 वर्षीय बच्चे सनी चौरसिया पुत्र राजेश चौरसिया की गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल जांच में जुटी। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये बच्चा पास में ही एक घर में खेलने के लिए गया था। पूर्व में भी उस घर में जाता रहता था और वहाँ आखिरी बार देखा गया था। जब इसमें पूछताछ की गई तो वहाँ जो लड़की थी उससे उसकी बातों से संदिग्धता प्रतीत हुई और उसके घर की तलाशी ली गई तो घर में जो बक्सा था उसके अंदर एक बोरे में इस 4 वर्षीय बच्चे की मृत शरीर प्राप्त हुआ। इससे जब पूछताछ की गई तो इस लड़की ने बताया कि जो मृतक बच्चे की जो बड़ी माँ थी इसको कई ताने व अपशब्द कहती थी। साथ ही आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व इसकी माँ की मृत्यु हुई थी, इसकी माँ को भी यह ताने व अपशब्द कहती थी। ये बात इसको हमेशा खटकती रहती थी और जब भी ये बच्चा इनके घर पे खेलने आता था तो ये इसको लगती थी। तो कल इसने लगभग 2 बजे जब ये बच्चा इसके घर पे अकेला था तो इसकी गला दबा के हत्या कर दी और इसके शव को बोरे में भर के अपने ही घर में रखे बॉक्स में इसको छिपा दिया था। इसमें तहरीर के आधार पर इस लड़की व इसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।